हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल के डायलर पैड में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फ़ोटो को सेट करके रखा है। इस तरह से दोस्तों आप भी लगा सकते हैं, अपनी फ़ोटो या किसी और की फ़ोटो भी आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप कॉल लॉग में भी अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है। इसी तरह से दोस्तों आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी आपके डायलर पैड को देखेगा तो आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा आपने कैसे इस ट्रिक को अप्लाई किया है। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स, तो मुझे उम्मीद है आप इसे कंप्लीट कर दोगे। दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका नाम है कॉन्टैक्ट्स। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको ऐप ड्रॉ में जाना है और इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको होल्ड कर स्क्रीन पर लेकर आ जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर इसे सेट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सभी परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बोरिंग सा डायलर पैड मिल जाएगा, जो कि आपके डिफ़ॉल्ट डायलर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप काफ़ी सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कस्टमाइज़ के। तो यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट आपको यहाँ पर थीम मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने डायलर पैड में फ़ोटो लगाना अपना, तो आपको यहाँ पर डायलर पैड बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपकी गैलरी आप ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो भी फ़ोटो आप सेट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे दोस्तों आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ। आपको यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको इसे ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों आप कॉल लॉग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी ये वाली फ़ोटो को सेट कर देता हूँ। फटाफट से आप यहाँ पे भी एडजस्ट करके इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी अगर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों ये भी आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ से हम फटाफट से लगा लेते हैं ये वाली फ़ोटो, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अब दोस्तों हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बैक आता हूँ दोस्तों यहाँ से। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का और काफ़ी कूल लग रहा है मेरा डायलर पैड। और दोस्तों यहाँ पर ये कॉल लॉग और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगी कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पर दोस्तों आपको फेवरेट आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको डिफ़ॉल्ट डायलर में मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने डायलर पैड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी देखेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कैसे आपने अपने डायलर पैड को कस्टमाइज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।